हमारे साथ मौजूद है कुमुद ग्रोवर जी, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं और ये इंडिया की बहुत ही फेमस स्कल्प्टर हैं। हेलो कुमुद जी। हाँ जी, नमस्कार जी। आप हमें अपने थोड़ी जानकारी देना चाहेंगी, आप किस तरीके के मीडियम्स पर आप काम करती हैं और आप इस सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने स्कल्पचर्स के थ्रू? देखिए, मैंने अबाउट 20 इयर्स बैक आई स्टार्टेड दिस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई स्टार्टेड वंस अगेन टू बी एन आर्टिस्ट एंड आई स्टार्टेड इन दिस मीडियम बिकॉज आई लव्ड दिस स्कल्पचर्स एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग which appeals to the society and which is good for the society. It gives a social, it's like five elements of nature. This is what I worked on. Like, panchon jo tattva hain, jaise Hindi mein kehte hain, five elements, usi ke upar main kaam karti hoon. Jisme pani bhi hai, hawa bhi hai, aakash hai, aur vayu hai, like, agni hai. Ye nahi sab ko lekar ke main is pe kaam karti hoon. और ज़्यादातर मैं फ़ाइबर ग्लास में ही करती हूँ क्योंकि फ़ाइबर ग्लास जो है इज़ मच चीपर एंड इट इज़ अपीलिंग ऑल्सो। उसमें कितने भी कलर्स वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉन्ज में एक ऐसा है, ब्रॉन्ज का माध्यम ही एक अलग है, वो एक अलग ही चीज़ उभर के आती है। हालांकि उसमें बहुत सारे रंग हम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा निकल के आता है। लेकिन ब्रॉन्ज का ये है कि महंगा बहुत होता है, उसमें कास्टिंग बहुत महंगी होती है और बहुत कम लोग हैं जो अच्छी कास्टिंग करके आपको देते हैं। एक एक पीस के लिए तीन तीन चार चार महीने लग जाते हैं। सो इट इज़ नॉट ऑल दैट फीजिबल फॉर द आर्टिस्ट, नॉर्मल आर्टिस्ट टू गो एंड डू दैट। जो अपने आप कर लेते हैं लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो आजकल आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं और अपने घर में रखना चाहते हैं, वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को आर्ट के साथ जोड़ें और उनके लिए ये करें कि भाई किस तरीके से आर्टिस्ट उभर के आता है, कैसे उसको वो इंस्पिरेशन बने किस तरीके से। और सोसाइटी इज़ एन इंस्पिरेशन, नेचर इज़ एन इंस्पिरेशन। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम माध्यम देख करके और हम इस माध्यम से काम करते हैं। एक्चुअली मैं जो काम करता हूँ वो कुछ रियलिस्टिक और कुछ एब्स्ट्रैक्ट, सब कुछ पांच करके। जो विजुअल मीडिया में एक चीज़ होती है, हम लोग सब कुछ इतना एब्स्ट्रैक्ट में मतलब दिक्कत है हाँ कस्टमर को, जो उन्होंने मतलब समझ नहीं पाता जो कौन सी पेंटिंग क्या क्या है, क्या क्या दिख सकते हम लोग। मैंने जो इस पेंटिंग में जो होता है बिल्कुल इजी विजन है, जो विज़न है बिल्कुल इजी, एक क्यूट सी सुंदर सी, सबसे दुनिया में सबसे बड़ी अच्छी फ्लावर है इसको। और ये जो फ्लावर बगीचा है, हम लोग फोर टाइम्स पावर इसके ऊपर प्रेशर होने के बावजूद भी एक अच्छी वाली जो फ्लावर वो अभी भी जिंदा है। मतलब सुंदरता जो है, जो ब्यूटीफुल चीज़ है वो पूरी होल टाइम में ब्यूटीफुल चीज़ पूरा जीते रहते हैं, मतलब उसको लॉन्ग एग्जिस्ट होते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग अभी मैंने ये देखा, ये ओल्ड एज की, ये है ओल्ड एज की, उसके बाद ये देखा मैंने नया एज। हम लोग अभी मॉडर्न हो गए, गाड़ी भी आ गया, इलेक्ट्रिक पोज भी आ गया, वायर भी आ गया, लाइट जल ली है, और इसके बावजूद हम लोग मतलब वही चीज़ करते हैं जो सुंदरता है उसके ऊपर एक वाटर फ्लाई जो रॉस चिंता है, ये है उसका दो साइड, एक वाइट और एक ब्लैक, मतलब एक मिडिल एज में है और एक है वाइट, बस इसी पे हम लोग यही सोचते हैं जो सुंदरता को कैसे यूज़ किया जाए, ऐसे पावर और ऐसे लव। मेरी पेंटिंग ज़्यादातर ह्यूमन लाइफ को रिलेट करेंगी। मेरे कॉम्पोजिशंस रियल भी और सरियल भी दोनों चीज़ें दिखाते हैं। और मतलब मेरा आर्ट कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट है, जिसमें मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स और कुछ रियल फॉर्म्स का मिक्सचर रखा है। और मेरे कलर्स भी ब्राइट दिखेंगे आपको, ब्राइट एंड कैंडिड कलर्स हैं। आई लव नेचर, इसलिए मुझे थोड़े ग्रीन्स एंड ब्लूज में ज़्यादा मैं दिखाती हूँ, नेचुरल कलर्स। थैंक यू सो मच दीपाली जी, आपने हमें अपना इतना समय दिया और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच।
मोस्टली मेरी जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं पेन ऑन पेपर है. अभी जो मेरा लेटेस्ट वर्क है ये मैंने सारा किया हुआ है जिसमें कि कलर्ड पेन मैंने यूज़ किया है. मोस्टली मेरे वर्क में मैं लेडीज़ को लेके अपना ओवरऑल वर्क करता हूँ, या फिर अभी जैसे मैंने ये वाला पेंटिंग अभी स्टार्ट किया है या अभी कंप्लीट किया था, तो इसमें मोस्टली क्या है कि मैं फिगर्स और एनिमल्स फिगर को लेके ही बैलेंस कर रहा हूँ इन चीज़ों को. तो सोसाइटी को लेके भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नेचुरल फिगर्स को लेके किया हुआ, जैसे ये कपल का दिया हुआ है उसमें भी सोसाइटी से रिलेटेड है. ओवरऑल पेंटिंग्स मेरा इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता हूँ. थैंक यू मनोज भाटी जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है.